स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जिसका नाम है जानकारी मैटर होती है। हम सक्षमता परीक्षा को लेकर एक अपडेट आई है, चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं थोड़ी बारीकी से। काउंसलिंग के बाद सक्षमता परीक्षा पास 1.87 लाख शिक्षक बनेंगे विशिष्ट शिक्षक। सक्षमता परीक्षा पास कर चुके 1.87 लाख नियोजित शिक्षक राजकर्मी के सदृश विशिष्ट विद्यालय अध्यापक बनने जा रहे हैं। इनकी काउंसलिंग प्रक्रिया हर हाल में अप्रैल के अंतिम हफ्ते में शुरू हो जाएगी। जानकारों के मुताबिक निर्वाचन आयोग से काउंसलिंग कराने के लिए मांगी गई अनुमति मिलने की पूरी संभावना है। दरअसल संभावना परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के काउंसलिंग कराने की तैयारियों से जुड़ी प्रारंभिक प्रक्रिया पहले से जारी है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक कक्षा 1 से 5वीं तक के करीब 1.39 लाख, 6 से 8वीं तक के 22,941, 9वीं से 10वीं तक के 20,000 से अधिक और 11वीं से 12वीं तक के 5,313 शिक्षकों ने अब तक सक्षमता परीक्षा पास की है। शिक्षा विभाग की तरफ से तैयार नियमावली के मुताबिक स्कूल में योगदान के पहले काउंसलिंग कराना होगा, इसके बाद स्कूलों में योगदान कराया जाएगा। स्कूलों में योगदान की तिथि से ही नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट विद्यालय अध्यापक की श्रेणी में मान्य किया जाएगा। इसके साथ ही राजकर्मी के सदृश सभी सुविधाएं एवं वित्तीय लाभ विशिष्ट विद्यालय अध्यापकों को मिलने लगेंगे। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक अभी क्रमशः 4 और सक्षमता परीक्षा आयोजित की जानी है, जिसमें 2 सक्षमता परीक्षा ऑफलाइन कराई जानी है। फिलहाल सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों को स्कूल योगदान के लिए रेंडमाइजेशन के जरिए स्कूल आवंटन की तैयारी की जा रही है। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, देख सकते हैं, टोटल 1.87 लाख नियोजित टीचर जो हैं उन्होंने सक्षमता परीक्षा पास की है। और जहाँ तक बात करें सबसे ज़्यादा देखा जाए तो प्राइमरी 1 to 5 में 1.39 लाख नियोजित शिक्षकों ने परीक्षा पास की है। 6 to 8 की बात करें तो लगभग 23,000 के आसपास जो है वो पास किए हैं टीचर। 9वीं से 10वीं में 20,000 से अधिक टीचर ने पास किए हैं। और 11th 12th की बात करें तो 5,000 के आसपास जो है वो नियोजित शिक्षक पास किए हैं सक्षमता परीक्षा। तो ये अपडेट को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।